इस खूबसूरत पल में तमाम ऐसे खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में मोदी जी के एक जबरा फैन हमारे साथ हैं, राज लक्ष्मी जी बुलेट रानी, जो कि 21,000 किलोमीटर का सफर तय करके आई आप कोयम्बटूर से, पहले तो ये देखिए मदुरई से, कैसा रहा ये सफर पूरा? सफर तो मतलब अच्छा रहा, और जो भी चीज होता है कठिनाई मुश्किल बारिश सब मौसम हमको देखने मिला, और अभी तक 19,000 किलोमीटर की सफर पूरा करते हुए हम आज आगरा में पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमको पूरा देश की जो एक आंकड़ा में लगा है कि अब 400 ही बोल रहे हैं मोदी जी, हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा सीट के साथ भारत की जनता ने मोदी जी को इस बार वोट फॉर नेशन वोट फॉर मोदी वोट फॉर मोदी यस वोट फॉर मोदी। क्या लगता है कि जब आप तिरंगा लगा के बुलेट पर जब निकलते हैं तो लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स होता है जब देखते हैं कि एक महिला वो भी इतनी दूर से चलकर आ रही है और आगरा आई पर? जी, लोगों का तो खूब मतलब स्वागत और सत्कार हमको मिली है, और देश भर में अभी तक हमने 61 दिन बाइक चलाए हैं, जहां भी पब्लिक की तरफ से कोई भी हमको नेगेटिव बात या नेगेटिव चीज मोदी जी के बारे में हमको सुनने को नहीं मिला। एक बहुत आश्चर्यचकित बात है, तो हम ज्यादा नहीं बोल रहे, जो चीज ठीक है वही बोल रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में लोगों ने मोदी जी को ऐसा फोटो देखते ही आते हैं, उसको पोस्टते हैं, मतलब तरह तरह की प्रक्रिया किया जाता है, तो इससे बोलते हैं कि आज ये हमके लिए राम है और यही हमारे लिए कृष्ण है। क्या वो मूवमेंट था कि जब आप मोदी जी की इतनी बड़ी फैन हो गई, 400 पार करने के लिए उनके विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ी? जी देखिए, हमारा संकल्प यही है देश और धर्म सुरक्षित रहना, और हम हमेशा हम ये फील किया है पिछले 10 साल से महिलाओं ने बाहर निकल के किचन से लेके पार्लियामेंट तक जो जो काम कर रहे हैं सिर्फ ही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में है, और ये वो कि मोदी जी ने जो किया है या गारंटी दिया है ये सिर्फ बात ही नहीं है, अपनी माँ बहनों के लिए घर घर में शौचालय बना के उनकी मान का रक्षा किया है, और जिस महिला ने धुआं में बैठती थी उसको उससे मुक्ति करा के उज्ज्वला योजना दिया है, इनके पास झोपड़ी भी नहीं था उन महिलाओं के लिए मोदी जी ने घर बनाया है, और जन औषधि केंद्र लगा के बहुत सस्ते में मतलब औषधि दिलाने के प्रयास किया है, जैसे ही हमारा इस्लाम महिलाओं को त्रिपल तलाक से मुक्ति कराया है मोदी जी ने, और जो महिला को 100-200 रुपए कमाई भी बहुत ज्यादा होती थी उन महिलाओं के लिए मुद्रा लोन्स दिए हैं, और मुद्रा लोन से आज महिला अपनी पांव पे खड़े होके दिन भर 5,000 रुपए सरकार की उपलब्धियां होगी। अब ये बताइए कि राज लक्ष्मी जी व्यक्तिगत जीवन में क्या करती है, किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रही है? हम एक साध्वी हैं और एक सोशल वर्कर है, लीगल राइट्स काउंसिल एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी है, पूरा देश में हम महिला सशक्तिकरण के लिए हम कई काम किए हैं, उसमें मोदी जी का जो किए हुए नेतृत्व का काम हमको बहुत प्रभावित किए है, इसलिए इस 21,000 किलोमीटर में मोदी जी के लिए पक्ष को कैसे देखते हैं? एक महागठबंधन भी बनाया है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी यात्रा पे हैं, दोनों में क्या समानता है क्या भिन्नता है? देखिए, हम समानता कंपैरेटिव नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में आप ही लोग बताएं कि गठबंधन में कितने लोग इन हैं और कितने लोग आउट हैं, और विपक्ष में इस गठबंधन में कैंडिडेट कौन है, तो ये जो चीज है। अब हम हमेशा बता चुके हैं कि अब जब अपनी जगह अमेठी को छोड़ के आपने वायनाड पे खड़े हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का जनता जाग चुकी है और सच समझ चुकी है, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा वायनाड का भी लोग आपकी सच समझ चुकेंगे और वहां से आपका कहां जाएंगे। आखिरी सवाल भी अब यही है, चूंकि चुनाव अब नजदीक है, तो ऐसा एक आंकड़ा भी है कि साउथ में अभी भाजपा का जो कमल है वो कम खिला हुआ है आंकड़ों की बात की जाए, तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि आप वहीं से आती हैं, क्या बदलाव की बयार है? देखिए, उसी साउथ से भी मैं बिलोंग करती हूँ और उसी साउथ से मैं मोदी जी का इतना बड़ा यात्रा लेके सफर कर रही हूँ, और पहला 30 दिन मैं साउथ में करके ही नॉर्थ पहुंची हूँ, और इस बार मेरा आंकड़ा है आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु और कर्नाटका से 40+ सीटों के वहां के लोग भेजेंगे, जनता में बदलाव आए हैं और इस जनता के सुनामी को कोई गठबंधन नहीं रोकेगा, और इस बार 400 पार करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरा फैन राजलक्ष्मी जी, आप उन्हें सीधे तौर पर सुन रहे थे। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।